हेलो दोस्तों, भाई मेरा नाम है साहिल। आज की वीडियो में गाइज मेरे पास है एक रिन की बोतल एंड साथ ही साथ मेरे पास है एक कांच का गिलास और भाई हमारे पास एक उजाला नील की बोतल भी है। भाई इन्हीं तीनों को मिलाकर आज का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जैसा आपने कहीं पहले नहीं देखा होगा। ये भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे नए नए टॉपिक मैं चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। तो भाई आप देख सकते हो मेरे पास एक कांच का प्योर गिलास, इसमें मैं डालने वाला हूँ ब्लीचिंग पाउडर। चलो इस ब्लीचिंग पाउडर को इसमें डालते हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर को डाल लेते हैं। मिनिमम कुछ आधा गिलास इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। तो भाई मैं उजाला को इसमें मिक्स करने वाला हूँ, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। चलो इसको खोलते हैं और इसमें डालते हैं। ये हमने कुछ इस तरीके से ओपन कर लिया। तो भाई ये रिएक्शन कुछ खास होने वाला है, ज़रा ध्यान से देखिए। मैं डालने वाला हूँ इसके अंदर, देखिए आप। गिलास को थोड़ा सा हिलाएंगे तो देखना इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो आप। तो भाई हमने इतनी सारी उजाला नील डाली थी, भाई वो कहाँ गई? आप देख सकते हो इसका तो कलर चेंज हो गया, ये तो सेम ब्लीचिंग पाउडर जैसा बन गया। आप देख सकते हो इसको, भाई हमने इतनी सारी नील डाली थी वो कहाँ गई? आप देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रिएक्शन हो रहा है, देखिए। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इस ट्रिन ब्लीच को मार्केट से ख़रीद के लेके आए हैं, आप देख सकते हो। भाई ये हमारे पास वही ब्लीचिंग पाउडर है जिसमें हमने उजाला नील मिलाई थी। अब इसे फेंकना नहीं है, ये कपड़े धोने में यूज़ दे सकता है।